नेपाल टीम का गाइस बहुत ही बड़ा मैच है जो वेस्ट इंडीज के साथ कल वार्म मैच नेपाल टीम खेलेगा, जो कि वेस्ट इंडीज गाइस कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म मैच में जब खेले तो 131 रन पे ऑलआउट कर देते न्यूजीलैंड को, बाद में 4 विकेट खो के 132 रन बना के जीत गए थे। तो वेस्ट इंडीज बहुत तगड़ी टीम है, बहुत पावरफुल टीम है। नेपाल टीम का टेस्ट होगा अंडर 19 टीम का कि कितने तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। कल नेपाल टीम का बहुत बड़ा मैच है, अगर नेपाल टीम कल मैच जीत जाता तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ी खुशी की बात होगा, क्योंकि गाइस अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जो कि वार्म अप मैच चल रहे हैं। कल पूरे टीम का वार्म अप मैच लास्ट होगा, उसके बाद फिर 19 तारीख से चालू हो जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का पूरा एक्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद मालूम चलेगा कौन विनर होगा, कौन सेमीफाइनल पहुंचेगा, कौन सुपर 8 में पहुंचेगा। बिल गाइस कल नेपाल टीम के लिए बहुत ही बड़ा मैच है, कल हम लोगों का टेस्टिंग का दिन है, कल हम कितने खड़े उतर पाते, कितने हम तैयारी किए हुए वर्ल्ड कप के लिए, कल पूरा मालूम हो जाएगा कितने हमारे खिलाड़ी तैयार है वर्ल्ड कप के लिए, वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ खेलने के लिए, पाकिस्तान साथ खेलने के लिए और अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। क्योंकि गाइस कल बहुत ही बड़ा मैच है हम लोग के लिए, आप लोग के लिए, भले ही वार्म अप मैच है लेकिन हम लोग चाहेंगे, नेपाल टीम चाहेगा कल वेस्ट इंडीज को नेपाल टीम हराए, क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई छोटी मोटी टीम नहीं है गाइस। मैं बार बार बता के आपको, आर अंडर 19 टीम में उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी, हमारी टीम में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारे गुलशन झा हो गए, देव खनाल हो गए, अर्जुन हो गए, ये सब अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी कल क्या परफॉर्म कर पाएंगे, कल क्या वेस्ट इंडीज को हरा पाएंगे, कल क्या लगातार चौथी जीत दर्ज कर पाएंगे साउथ अफ्रीका में रह के। साउथ अफ्रीका में गए जब तक 3 जीते तो है मैच, लगातार 3 जीत मैच जीत के आ रहे, स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा है, उसके बाद नेबीबिया को हराए थे। अब क्या वार्म अप मैच जो दूसरा है वेस्ट इंडीज से, क्या नेपाल टीम जीत पाएगा? अगर गए तैयारी अच्छे से किए होंगे, अगर माइंड स्ट्रांग होगा, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, तैयार किए होंगे, कमजोरी पे काम किए होंगे, अपना क्या कमजोरी है वेस्ट इंडीज में, क्या वेस्ट इंडीज की क्या कमजोरी है उस पर काम किए होंगे, उनका पकड़ लेंगे, तभी जाके हम वेस्ट इंडीज को हरा पाएंगे। क्योंकि न्यूजीलैंड को गाइस वेस्ट इंडीज ने 131 रन पे ऑल आउट कर दिए थे, बाद में वेस्ट इंडीज ने गाइस 132 रन 4 विकेट खो के मैच जीता था, वार्म अप मैच जो हुआ था वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का वार्म अप मैच में। तो गाइस ये हम लोग के टेस्टिंग दिन है, क्योंकि आप देखते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े टीम के खिलाफ कोलैप्स कर जाते हैं, हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, प्रेशर को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। फिर कल के जो मैच है गाइस वो बहुत ही बड़ा मैच है हमारे लिए और आपके लिए, कल प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, अच्छा फील्डिंग करना पड़ेगा, अच्छा कैप्टनसी करना पड़ेगा, कैच वगैरह पकड़ना पड़ेगा, अच्छा फील्डिंग करना पड़ेगा और हमारे खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी से बैटिंग करना पड़ेगा, फेबलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा, डर के बैटिंग नहीं करना। अगर डर के बैटिंग किए, अगर पैसों को हैंडल नहीं किए, पैसे प्रेशर ले लिया, अगर मेंटली फिट नहीं हुए, फिजिकली फिट नहीं हुए तो हार मिलेगा, फिर मैं बोलता हूँ हार मिलेगा। क्योंकि गाइस हमको दुख लगता है नेपाल टीम हारता है, क्योंकि हम नेपाल का सपोर्ट करते हैं, हम नेपाल के रहने वाले हैं, तो दुख लगेगा, चाहे किसी की टीम के साथ हारेंगे तो दुख लगता है, क्योंकि वार्म अप मैच कोई वैल्यू नहीं है, ये तैयारी के लिए है, प्रिपरेशन के लिए है, कि कितना कौन खिलाड़ी तैयार है, प्लेइंग 11 देखते हैं, इसमें कौन प्लेइंग 11 उतारना चाहिए वर्ल्ड कप में, ये सब देखा जाता है वार्म अप मैच में। जब वार्म अप मैच जीत जाते हैं तो मोमेंटम बहुत जरूरी है, मोमेंटम कैरी करके जाते हैं आने वाले मैच में, कि मैं जीत के आया हूं, मैं रन बना के आया, मैं अच्छा विकेट लेके आया हूं, अच्छा फील्डिंग करके आया हूं, अच्छा जो हमारे प्लेइंग 11 कौन सा खिलाना है उसमें सब मालूम हो जाता है वार्म अप मैच में। चाहे वर्ल्ड कप हो गया, कोई बड़े इवेंट होता है तो उसमें वार्म अप मैच रखा इसलिए जाता है कि अपना प्लेइंग 11 देख ले, अपना बैटिंग देख ले, फील्डिंग देख ले, बॉलिंग देख ले, कि किसको प्लेइंग 11 खिलाया जाए वर्ल्ड कप में। तो गाइस कल का मैच जो है हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा मैच, हमारे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा मैच, हमारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट शायद तैयार तो है, क्योंकि 3 मैच लगातार जीत के आया है, नेपाल में अभ्यास किए थे, कुछ प्रेस्टिक मैच भी खेले थे, और कोचिंग भी बहुत जरूरी है, कोचिंग करना बहुत जरूरी है, हमारे खिलाड़ी को मेहनत रहना जरूरी है, हमारे एक साथ होकर रहना है और एकजुट होकर बॉलिंग और बैटिंग करना है, एक दूसरे में गुस्सा नहीं होना, अच्छे से बैटिंग करना, जब स्टार्ट मिल जाए 10 20 25 का तो उसको अच्छा कन्वर्ट करना है, 100 पे कन्वर्ट करना है, 50 पे 60 पे कन्वर्ट करना है, 250 300 रन बनाना पड़ेगा अगर पहले बैटिंग करते हैं तो। अगर दूसरा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज बैटिंग करता है तो उनको 200 रन पे अलाउट करना सोचना चाहिए, 200 रन पे रोकना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा रन बनाएंगे तो डिफिकली फिर हो सकता है हम लोग के लिए, हमारे बैटर को। और गुलशन झा का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कल के मैच में, और जो अर्जुन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है कल के मैच में, देव खनाल को अपने आप को समझना पड़ेगा, सीनियर खिलाड़ी का रोल अदा करना पड़ेगा, जब वो बैटिंग ले लो जाए उनका कैप्टनसी ले लो तो जिम्मेदार से कैप्टनसी करना पड़ेगा, जिम्मेदार से बैटिंग करना पड़ेगा, और खिलाड़ियों को कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ फील्डिंग लगाया जाए, कैसे बॉलिंग कराया जाए, किसको बैटिंग कराया जाए, ये सब पे काम करना जरूरी है। इस सब पे काम करके आएंगे तो कल हम वेस्ट इंडीज को हरा सकते हैं गाइस, हम उम्मीद रखेंगे, हमारे खिलाड़ी उम्मीद रखे होंगे कल वेस्ट इंडीज को हरा के ये वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत दर्ज कर सकते हैं हमारे अंडर 19 टीम कल के मैच में। कल बहुत ही बड़ा मैच है गाइस, मैं बार बार बोलता बहुत ही बड़ा मैच है, कल जीत गए तो दिल तो खुश हो जाएगा, और वर्ल्ड कप में अब क्या होगा, जो वर्ल्ड कप मैच चालू होगा
न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जब 19 तारीख से मैच चालू होगा तब वो मालूम चले। अभी कल के मैच के लिए हम लोग फोकस करेंगे, कल क्या होगा उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। उम्मीद हम लोग रखेंगे गाइस कि कल नेपाल जब तैयार हो के आए, प्रिपेयर हो के आए, फिजिकली फिट हो के आए, मेंटली फिट हो के आए, हार ना माने, लास्ट दम तक खेलते रहे, डर के खेले, डरे नहीं, तो कल हम लोग इतिहास रच सकते हैं, कल हम लोग वेस्टइंडीज को हरा सकते हैं वामा मैच में। तो गाइस क्या लगता है कि अंडर 19 टीम पूरा तैयार है वेस्टइंडीज को हराने के लिए कि तैयार नहीं है? तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, अपना राय दे सकते हो। कल के मैच में कौन 100 मारेगा, कौन 50 मारेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट कल के मैच में लेगा वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो भी कमेंट कर सकते हो, राय दे सकते हो। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब किया करो, फॉलो भी किया करो, लाइक भी किया करो, अपने दोस्त यार में शेयर किया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो दिल दुखता है गाइस। तो अगर सपोर्ट करने के लिए ऐसे प्यार बनाए और अपने भाई पे लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, फेसबुक पेज पे फॉलो भी करो गाइस, और शेयर भी अपने दोस्त यार में करो, क्योंकि हम नेपाल टीम को सपोर्ट करते हैं इस चैनल में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज में देखो तो लाइक फॉलो भी करो, और गाइस यूट्यूब में देखो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।